आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपने दुल्हन के पास जाऊं, जो ना जाने कितनी देर से शादी के बाद सज धज कर मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी उम्र 26 साल थी और इस उम्र में हर लड़के की इच्छा होती है कि उसकी शादी हो जाए, और आज मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे घर में शादी का बस एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था। कुमकुमों की लाइट से थोड़ा सा घर को सजाया गया था ताकि वह महसूस हो सके कि इस घर में कोई खुशी का माहौल है। ये घर मेरा नहीं था बल्कि मेरी मुंह बोली मौसी का था। उनके पति का काफ़ी सालों पहले देहांत हो चुका था और मेरी मौसी अकेली रहती थी और मैं भी अकेला था, इसलिए मौसी ने मुझे कहा कि तुम मेरे बेटे बनकर रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मौसी मेरी माँ की सहेली थी और सगी बहनों की तरह दोनों में प्यार था। एक ही मोहल्ले में रहती थी, साथ खेलकर और पढ़कर बड़ी हुई थी और ये साथ उनका मरते दम तक नहीं छूटा था। मेरी माँ के जाने के बाद भी मेरी माँ की ये सहेली मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी मेरी वो मौसी सगी माँ लगती थी। उन्होंने कहा तुम मेरे बेटे बनकर मेरे पास रहो, मेरा कोई बेटा नहीं है। मुझे भी एक घर की ज़रूरत थी और मौसी को सहारे की ज़रूरत थी, इसलिए मैं बिना झिझक उनके घर में रहने के लिए आ गया। मैं पिछले 3 साल से इस घर में रह रहा था। यहाँ पर मौसी और उनकी छोटी बेटी रहती थी। 3 साल पहले मौसी की बेटी की उम्र 12 साल थी और मैं उसे बच्चों की तरह ही समझता था, लेकिन वही 12 साल की बच्ची आज 15 साल की होकर मेरी दुल्हन के रूप में ही मेरे कमरे में बैठी हुई थी। वो कमरा जो मौसी ने इस घर में मेरे नाम कर रखा था और मैं 3 साल से इसी कमरे में रहता था, लेकिन मेरे जहनो गुमान में भी नहीं था कि मेरी शादी मेरी मुंह बोली मौसी की 15 साल की बेटी से हो जाएगी। वो अंदर कमरे में बैठी थी और मैं बाहर टीवी हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। मौसी शायद सोने के लिए चली गई थी और जो थोड़े बहुत मेहमान थे वो भी घर वापस चले गए थे, लेकिन मैं कश्मकश में था कि कमरे में जाऊं या नहीं जाऊं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं 15 साल की लड़की के पास जाऊं और उसके साथ मैं पति पत्नी का रिश्ता बनाऊं। मुझे सोचते हुए ही अजीब सा लग रहा था कि मैं उस छोटी सी बच्ची के साथ सुहागरात कैसे मनाऊं, क्योंकि वो जैसी भी थी अभी बहुत ही कम उम्र की थी और छोटी बच्ची ही थी। मैंने बस अपनी मौसी के कहने पर ही ये शादी की थी। हाँ, अगर तृप्ति थोड़ी सी बड़ी होती, वो 15 की जगह 18 या 20 साल की होती, तो फिर भी मैं शादी से खुश हो जाता, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी लड़की थी और मुझे उससे शादी करने पर कोई एतराज़ ना होता। मुझे एतराज़ सिर्फ इस बात पर था कि उसकी उम्र बहुत कम थी, उससे ज़्यादा मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन मौसी ने कुछ इस तरह से मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया कि मैं इनकार ना कर सका। मैंने तो मौसी से यह तक कह दिया कि मैं अभी तृप्ति के साथ फेरे ले लेता हूँ, लेकिन विदाई बाद में कर लेना, जब वो बड़ी हो जाएगी तो आप उसकी विदाई कर देना, तब तक मैं अपने दोस्त के पास दुबई चला जाता हूँ और वहाँ कुछ काम धंधा कर लूँगा, कुछ पैसे भी हो जाएंगे, इसके बाद आप भले ही विदाई कर देना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन मौसी कहने लगी, नहीं, मुझे विदाई भी आज ही करनी है। मुझे विदाई वाली बात समझ नहीं आई। असल में तो हम एक ही घर में रहते थे, ऐसा नहीं था कि इस घर में दूसरे घर तृप्ति को विदा होकर जाना था। विदाई से पहले मेरा मतलब यही था कि जिस तरह से पति पत्नी एक रिश्ते में बन जाते हैं और एक दूसरे से फिजिकल होते हैं, वो शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे, जब तृप्ति बड़ी हो जाएगी तब करेंगे, यानी आज से 4-5 साल के बाद, क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की के साथ शादी को कानूनी जुर्म समझता था और ये बाकी कानूनी जुर्म था भी। इसलिए खामोशी से मौसी ने मेरी शादी करवा दी, वरना अगर बात पुलिस तक पहुंच जाती तो पुलिस हमारे घर आ जाती, क्योंकि इस मामले में कानून भी बहुत सख्त हो चुका है। इस शादी को लेकर मैं काफ़ी हद तक डरा हुआ भी था, मेरा फ्यूचर भी शादी की वजह से ख़राब हो सकता था। अगर किसी ने पुलिस में जाकर या कोर्ट में जाकर चुगली कर दी कि मैंने एक कम उम्र की लड़की से शादी की है, तो यकीनन मुझे कोई ना कोई सज़ा तो मिल ही जानी थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम होकर हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था कि मेरी मौसी कमरे का दरवाज़ा खोलकर और बाहर आ गई और मेरी तरफ हैरत से देखने लगी। मुझसे कहा कि तुम अभी तक अपने दुल्हन के पास नहीं गए, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मौसी के मुंह से ये बात सुनकर मुझे न जाने क्यों अजीब लग रहा था। मैं अपने दिमाग में सवाल जवाब सोच रहा था कि मौसी को क्या जवाब दूँ, मैं उनसे क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता। अगर ये कहकर मैं मौसी से नज़र चुरा रहा था
अगर वो वाकई में दुल्हन बनने के काबिल होती तो मुझे जाने में कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन वो तो एक छोटी सी 15 साल की बच्ची थी और उसकी उम्र तो गुड़ियाओं से खेलने की थी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मौसी ने कहा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी दुल्हन के पास जाना होगा। मैं बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, अब इस तरह से तुम मेरी बेटी को ठुकरा नहीं सकते हो। मौसी की इस बात पर मैं हैरान हो गया, ये धुतकारने वाली बात कहाँ से आ गई। वो शायद मेरी बात समझते हुए भी नहीं समझ पा रही थी। मजबूरन मुझे वहाँ से उठना पड़ा और तृप्ति के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा तृप्ति पूरी दुल्हन के रूप में तैयार होकर सर झुकाए बैठी है। मुझे न जाने क्यों तृप्ति को देखकर बहुत दुख हुआ था। वो छोटी सी बच्ची थी और मौसी की जिद की वजह से हम दोनों इस बेजोड़ रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा जब तक कि वो 18 साल की नहीं हो जाती। मैं उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बनाऊंगा। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बैठा नहीं था। मैंने उससे कोई बात नहीं की, वो सर झुकाए बैठी थी। वो इस समय इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसके हुस्न को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उसकी उम्र 15 साल की थी, लेकिन उसका मेकअप कुछ इस तरह से किया गया था कि वो अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। लेकिन मेकअप से क्या होता है, वो तो इतनी बड़ी नहीं थी ना, वो छोटी ही थी, और मैं कैसे उसके साथ कोई संबंध बना सकता था। मैंने खामोशी से तकिया उठाया और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा, तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। फिर थोड़ी देर बाद बोली कि आप बेड पर ही सो जाए, सोफ़ा तो बहुत छोटा है और आप तो अच्छे खासे लंबे हैं, आपको सोने में परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि वो छोटी सी थी, लेकिन बात उसने बड़ों जैसी कर दी थी। मुझे लगा कि मेरे करीब आने से घबरा जाएगी, इसलिए मैं सोफे पर सोने का फैसला कर लिया था। लेकिन जब वो खुद कह रही थी कि उसे किसी तरह का कोई डर नहीं है, तो फिर मुझे भी आराम की ज़रूरत थी। मैं सुबह से थका हुआ था, मैंने तकिया वापस अपनी जगह पर रखा और आंखें बंद करके लेट गया। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा दिमाग जागा हुआ था। मैंने महसूस किया था कि तृप्ति अभी तक बैठी हुई है। क्या वो मेरे इंतज़ार में बैठी हुई थी? मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उसे कहा कि तुम जाकर ये भारी भरकम कपड़े उतार कर कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि मेरी बात सुनकर उसको मायूसी हुई थी, हालांकि मेरी बात सुनकर उसको खुश हो जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो उसे किसी भी तरह का कोई शारीरिक संबंध बनाने के बारे में जानकारी नहीं होगी, इतनी छोटी सी तो थी वो। फिर थोड़ी देर बाद वो ड्रेसिंग रूम में चली गई। उसने अपने कपड़े बदल लिए और मेरे बराबर आकर लेट गई, तो मैंने उठकर लाइट ऑफ कर दी। लेकिन सोते समय मुझे पता नहीं क्यों महसूस हो रहा था कि वो बार बार सरक कर नींद में मेरी तरफ आ रही थी। मैं बार बार उसे फिर से उसकी जगह पर आराम से धकेल देता, लेकिन वो फिर से सरक कर मेरे करीब आ जाती। वो शायद नींद में थी, या उसको ज़्यादा नींद में इधर उधर करवटें बदलने की आदत थी। वो तो नींद में ये हरकत कर रही थी, लेकिन मैं तो जाग रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं जाग रहा था, वो अपनी इन हरकतों से मेरे जज्बातों को भी जगा रही थी। एक बार तो वो मेरे इतने करीब हो गई कि मेरे दिल की धड़कनों में शोर मच गया। मेरी सांसें तेज़ हो गई थी। मेरे सामने एक लड़की थी, वो भी मेरी पत्नी थी, और मैं उस पर पूरा हक रखता था। मैं चाहता तो उसे अपना हक वसूल कर सकता था, लेकिन मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं कर रहा था कि इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मैं इस तरह का संबंध बनाऊं। और ये कानूनी जुर्म भी था, कल को अगर पुलिस को इस शादी की खबर हो जाती तो तृप्ति के मेडिकल चेकअप के बाद मुझे कोई ना कोई सज़ा ज़रूर होनी थी, क्योंकि साबित हो जाता कि बेशक मैंने सिर्फ उससे शादी ही नहीं की बल्कि उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता भी बनाया है। और मैं यही सोच रहा था, इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं उससे दूर ही रहूं। इसलिए मैंने तृप्ति को खुद से अलग किया और दूसरी तरफ करवटें बदलते सारी रात मैंने बेचैन ही से गुजारी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो बहुत देर से खुली थी। मैंने देखा तृप्ति अभी तक सो रही है। मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया और सारा दिन बेचैन ही रहा। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे जल्दी से कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी तृप्ति को लेकर। मैं उसके साथ इतने साल एक ही कमरे में गुजार सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं तृप्ति की माँ से बोलूँगा कि हमारा अलग अलग कमरा कर दे जब तक कि वो 18 साल की नहीं होती। तृप्ति एक ऊँचे लंबे कद की लड़की थी और बेहद खूबसूरत थी, शरीर भी काफ़ी भरा भरा था।
वो 15 साल की लड़की नहीं लगती थी, 16-17 की लगती थी। खूबसूरत इतनी थी कि किसी गुड़िया की तरह लगती थी, लेकिन मैं तो उसे हमेशा बच्चों की तरह ही ट्रीट करता था। मैं उससे ज़्यादा बातचीत नहीं किया करता था। मैं 3 साल से इस घर में ऐसे रह रहा था जैसे मैं इस घर में मौजूद ही नहीं हूँ। मैं सारा दिन लगभग घर से बाहर ही रहता था और सिर्फ खाने और सोने के लिए ही घर आता था, या फिर मासी का कोई काम होता तो उनके लिए सौदा वगैरह लाने के लिए घर आ जाता था, या बिजली का बिल जमा करना होता या गैस भरवानी होती तो ऐसे ही छोटे मोटे कामों के लिए मौसी मुझे बुला लिया करती थी और मैं उस समय घर आ जाया करता था। मैं बिना किसी मतलब के घर पर बैठने वाले लड़कों में से नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलता था। नौकरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ ना कुछ काम ज़रूर करता था ताकि कुछ पैसे हाथ आ सकें। मौसी के घर मेरी ज़िंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही थी कि एक दिन मौसी ने मुझे एक ऐसी ज़िद कर दी कि मैं ख्याल भी नहीं कर सकता था। मौसी की तबीयत तो थोड़ी ख़राब हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मौसी की इस बात पर मैं हैरत में डूब गया क्योंकि उनकी बेटी तृप्ति सिर्फ 15 साल की थी और मैं कैसे छोटी बच्ची से शादी कर सकता था। मेरी उम्र इस समय 26 साल की थी और वो मुझसे पूरे 11 साल छोटी थी। मौसी ने तो जैसे उसको बहुत बड़ी समस्या बना लिया था और रोना शुरू कर दिया। फिर कई दिन तक मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती रही। मना करते हुए भी मुझे बुरा महसूस हो रहा था क्योंकि मैं 3 साल से मौसी के घर में पल रहा था, खा पी रहा था और मुझे रहने के लिए छत मिली हुई थी। यहाँ किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। मौसी के अलावा मेरे पास मेरे मामा का घर था और वहाँ मुझे दिन रात बेइज्जत किया जाता था। हर समय मेरी इंसल्ट की जाती थी, मुझे निकम्मा नकारा कहकर हर समय मेरा दिल जलाया जाता था। उसके उलट तो मुझे यहाँ सुकून से रह रहा था। मैं इसी कोशिश में लगा हुआ था कि कुछ ना कुछ कारोबार शुरू कर लूँ और जब तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए अच्छे खासे पैसे नहीं आ जाते तो तब तक मैं मौसी के घर पर ही रहूँगा। और जो पैसे मैं थोड़े बहुत ऑनलाइन कामों से कमा रहा था और कोचिंग से कमा रहा था उनको मैं अपने पास सुरक्षित रखना चाहता था ताकि ज़्यादा पैसे जमा हो सकें तो मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूँ और उसके बाद अपना कोई छोटा मोटा घर ले लूँ, नहीं तो किराए का घर ही ले लूँ लेकिन अपने रहने का इंतज़ाम कर लूँ। लेकिन मैं इतनी जल्दी खर्चा नहीं कर सकता था। मैं तो खाने पीने की चीज़ों में भी खर्चा नहीं करता था, खाना पीना भी मेरी मौसी के ऊपर था। अपने खाने पीने का खर्चा तो मैं कमा ही लेता था लेकिन मैं उसको भी संभाल कर रखता था अपने पास। ये मेरी मौसी ही थी जिसने मुझे सहारा दिया, मुझे कभी निकम्मा होने का ताना नहीं दिया और मुझे बगैर दिल दुखाए अपने पास रखा। मामा के घर में मुझे खाना तो मिलता था लेकिन ये खाना खाने के लिए मुझे 100 बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन अब मौसी ने मेरे सामने ऐसी बात रखी कि जिसे मैं ना स्वीकार कर पा रहा था ना ही इनकार कर पा रहा था। मौसी की मुझ पर इतने एहसान थे कि मैं उन्हें इनकार कर नहीं सकता था, लेकिन ये मामला इतना नाजुक था कि मैं हाँ भी नहीं कर पा रहा था। अगर मैं इनकार कर देता तो यकीनन मौसी का दिल टूट जाता। वैसे ही वो अभी इतनी बड़ी बीमारी से उभर कर बैठी थी, उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टर ने उन्हें कोई भी सदमा देने से मना किया था और मैं उन्हें कोई सदमा देना नहीं चाहता था। अगर मेरी वजह से मौसी को कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। दूसरा, मेरी इस बात से मौसी का दिल दुख सकता था, वो मुझे इस घर से निकाल भी सकती थी या फिर शायद वो मुझे अपने घर में रख भी लेती, लेकिन मैं उनसे नज़रें कैसे मिलाता। बहुत सोचने के बाद मैंने उनकी बेटी से शादी करने की बात मान ली, लेकिन मेरी शर्त ये थी कि विदाई 5 साल के बाद ही की जाएगी। लेकिन मौसी की बात सुनकर तो मेरे सर पर धमाका हुआ जब उन्होंने कहा कि विदाई भी साथ के साथ ही करनी है। मैंने कहा, ऐसे भी कौन सी मुसीबत आई है कि जल्दी विदाई हो, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा और भगवान की कृपा से आप अब बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो मौसी ने कहा, कुछ भरोसा नहीं है कि कल को तुम्हें कोई और पसंद आ जाए और तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और दूसरी लड़की के पीछे लग जाओ, क्योंकि अब तुम भी जवान खून हो, कोई भी लड़की तुमको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा सकती है और फिर तो मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम सोचोगे कि एक शादी ही तो है, तुम्हारे बीच कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है और ना ही बच्चों की डोर है जो तुम्हें बांध कर रखेगी। इस रिश्ते को ख़त्म करना तुम्हारे लिए आसान है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी विदाई भी हो जाए और तुम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लग जाओ।
मौसी ने तो हर तरफ से मेरा रास्ता बंद कर दिया था। उनकी बात भी अपनी जगह सही थी, बल्कि अगर मैं कहूँ कि उनका डर अपनी जगह सही था, कि हर माँ को ये डर होता है कि उनकी बेटी का फ्यूचर क्या होगा। और तृप्ति छोटी थी और मुमकिन था कि मैं किसी और की मोहब्बत में पड़ जाऊँ, और किसी और से मैं शादी भी कर सकता था, क्योंकि मुझे आए दिन काम के सिलसिले में लड़कियों का सामना करना पड़ जाता था। ऑनलाइन भी मेरी काफ़ी स्टूडेंट लड़कियाँ थी जिनसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती भी हो सकती थी। उनमें से कोई मुझे अच्छी लग जाए और मेरा इरादा बदल जाए। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैं तृप्ति से शादी की हामी भर ली और विदाई के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल रहने की कोई जगह नहीं थी। जितने पैसे मैंने जमा किए थे वो घर लेने के लिए काफ़ी नहीं थे, और अगर घर ले भी लेता तो खाना पीना कहाँ से होता। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने तृप्ति से शादी की हामी भर ली और इसी को अपनी किस्मत समझा। सोचा बस कुछ साल इंतज़ार करता हूँ, वो बड़ी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं उसके साथ कोई रिश्ता बनाऊँगा। बस ठीक है, ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी तृप्ति के साथ। या फिर ये भी हो सकता है कि बड़ी होकर तृप्ति का दिमाग बदल जाए और वो खुद ही शादी के लिए इनकार कर दे, क्योंकि मैं उसे पूरे 11 साल बड़ा था। अगर वो ऐसा करती तो मेरे लिए ये आसान हो जाता और मेरा रास्ता साफ हो जाता। लेकिन तृप्ति की हरकतें तो मुझे कुछ और ही पता बता रही थी। वो इतनी भी छोटी नहीं थी जितनी छोटी मैं उसे समझ रहा था। मैंने महसूस किया था कि बहाने से वो मेरे करीब आने की कोशिश करती। फिर मुझे लगा कि शायद मौसी की पढ़ाई हुई पट्टियाँ होंगी, कि उन्होंने ही तृप्ति को ये समझाया होगा कि किसी तरह वो मुझसे पति पत्नी वाला रिश्ता बना ले, ताकि जल्दी ही तृप्ति उम्मीद से हो जाए और हम दोनों एक मजबूत डोर में बन जाएं। मुझे मौसी की इस सोच पर अफसोस हो रहा था। उन्हें अपने बच्ची की सेहत की चिंता नहीं थी, बस उसका फ्यूचर सुरक्षित करना था। मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मेरा ये ख्याल भी गलत साबित हो गया कि मौसी की पढ़ाई हुई पट्टियां हैं। मैंने महसूस किया कि तृप्ति तो खुद इस टाइप की है कि उसका दिमाग वक्त से पहले बड़ा हो गया है। वो हर समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है और ऐसी ऐसी चीज़ देखकर शायद उसे इस रिश्ते के बारे में सब कुछ मालूम था, और उसके जज्बातों में उभार पैदा हो गया था और उसका पति था, इसलिए वो सोच रही थी कि जल्द से जल्द मैं उसके करीब आ जाऊँ। इस उम्र में लड़कियों में शारीरिक हार्मोन्स में बदलाव शुरू हो जाते हैं और उन्हें ये इच्छा बहुत ज़्यादा हो जाती है कि कोई लड़का उनके बहुत करीब हो जाए। ये उम्र लड़कियों की बहुत ही नाजुक उम्र होती है। कहते हैं इस उम्र में लड़कियों को माँ बाप की केयर की बहुत ज़रूरत होती है। अगर ऐसे में उनके ऊपर ध्यान न दिया जाए तो वह अपनी राह से भटक जाती हैं, और तृप्ति भी उसी उम्र से गुजर रही थी। उसके अंदर बदलते जवानी के हारमोन्स उसे तंग कर रहे थे। शायद तृप्ति को ये इच्छा थी कि मैं उसके करीब आ जाऊँ, और मैं उसका पति था और इसलिए ये बेधड़क मेरे सामने आ जाती थी, कभी बिना दुपट्टे की तो कभी रात के समय नेट की मैक्सी में मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती। रात में हम एक ही बेड पर सोते थे तो वो मेरे करीब आ जाती, इतना करीब कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल खोने लगता था। अच्छे से तैयार होकर और मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती। वो अभी सिर्फ 10th क्लास में थी। मैं जब उसे स्कूल छोड़ने जाता तो वो मेरी बाइक पर मुझसे चिपक कर बैठने की कोशिश करती। मैं उसे कहता पीछे हटकर बैठो तो कुछ देर के लिए पीछे हो जाती और फिर दोबारा से फिर मेरे करीब हो जाती। मेरे दिल की धड़कन में तूफान मच जाता था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करता था। मुझे उसकी हरकतों पर गुस्सा आने लगता था। कानूनी तौर पर भी मैं कुछ डरा हुआ था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, ये कानूनी जुर्म है और अगर किसी ने मेरी चुगली कर दी तो मैं जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकता हूँ। कुछ दिनों से मैंने देखा तृप्ति की दिमागी हालत दिन ब दिन अब खराब होती जा रही है। उसे इस बात का डिप्रेशन था कि मैं उसके करीब नहीं हो रहा हूँ। लेकिन एक दिन मेरे बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई जब उसने खुद ही मेरे बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश की। शायद उसको खुद पर कंट्रोल नहीं रहा था और वो मेरे सीने से लगकर मुझे चूमने लगी थी। मेरे शरीर में भी जैसे आग लग चुकी थी, लेकिन मुझे तृप्ति की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था और इसी गुस्से में मैंने उसे झटक दिया तो वो रोने लग गई। बोली मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं। मैंने उसे कहा कि पहले अपनी उम्र देखो फिर ऐसी बात करो। मेरा गुस्से के मारे बुरा हाल था, मैंने उसका बहुत ज़्यादा डांट दिया था, न जाने कितनी बुरी बातें सुनाई और घर छोड़कर चला गया। 2 दिन तक घर से बाहर ही रहा और अपना मोबाइल भी बंद कर दिया
और ये 2 दिन मैं अपने दोस्त के घर पर रहा। मैं दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान था। घर वापस आया तो मौसी बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगे। यही डर था मुझे। मैंने देखा कि तृप्ति का रंग पीला पड़ा हुआ था और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। वो शायद मेरे घर छोड़कर जाने की वजह से बहुत परेशान थी। मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं मौसी से बहाना बना दिया कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। मुझे तृप्ति कुछ चुपचाप सी लग रही थी। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मुझे उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो बच्ची है, अभी बहुत ही नाजुक उम्र से गुजर रही है और उसे अभी प्यार से समझाना चाहिए, गुस्से से नहीं। मैं कमरे में गया तो तृप्ति अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी, क्योंकि उस दिन मैंने गुस्से में उसे बहुत कुछ सुना दिया था। उस दिन मैंने गुस्से में ये भी कह दिया था कि तुम आज के बाद मेरे साथ बेड पर नहीं सोओगी, वरना मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे अपनी बात याद आई तो मैंने तृप्ति को पुकारा। मेरे पुकारने पर वो एकदम से डर गई थी। कहने लगी, प्लीज़ कमरे से बाहर मत जाइएगा, मैं सोफे पर ही सो जाया करूँगी। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ। मैंने गहरी सांस भरी और उठकर तृप्ति के पास आया, उसका हाथ थामा और उसे बेड पर बैठा दिया। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मैं गुस्से में तुमसे बहुत ज़्यादा गलत बोल गया। मेरी ज़रा सी नरमी पाकर वो रोने लगी, रोते हुए मेरे सीने से लग गई। मैं उसे चाहकर भी खुद से पीछे नहीं कर पाया, बल्कि उसे और अपने साथ लगा लिया। वो सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी, मुझे पता है कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। आपने मम्मी की मजबूर करने पर मुझसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मैं उसका चेहरा ऊपर किया। मैंने कहा, तुम मुझे बुरी नहीं लगती, बल्कि अच्छी लगने लगी हो। तुमसे दूर रहना मुझे मुश्किल लगने लगा है और तुम्हारे पास मैं नहीं आ सकता, क्योंकि तुम अभी बहुत कम उम्र की हो। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैंने आज उसे अपना हर डर बता दिया था। मुझे लगा ये सुनकर उसे सुकून हो जाएगा, लेकिन वो तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई और किसी गहरी सोच में डूब गई थी। समय कुछ और आगे को बढ़ा तो तृप्ति का पेट फूलने लगा, उसकी रंगत भी पीली पड़ने लगी। मौसी भी उन दिनों कुछ चुपचाप सी थी, काफ़ी बीमार भी रहने लगी थी। मैं मौसी से तृप्ति के बारे में पूछता कि उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, तो मौसी कहने लगी, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी, उसे दवा दे रही हूँ, वो ठीक हो जाएगी। मौसी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उनके सीने में फिर से तेज दर्द उठा था। मैं जब तक उन्हें अस्पताल लेकर गया वो दम तोड़ चुकी थी। ये सदमा तृप्ति के लिए भी बहुत बड़ा था। उस समय मैंने ही उसे संभाला था, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि उसका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा था। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जो कुछ मुझे बताया, मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर कहने लगी, आपकी पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था कि मैं जिसे बच्ची समझ रहा था और उसे बच्ची समझकर उसके पास नहीं जाना चाहता था, वो कम उम्र में ही ये गुल खिला बैठी थी और अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। मौसी की जल्दबाजी अब मुझे समझ आई थी। तृप्ति का मेरे करीब आना मुझे अब समझ आया था। मेरी अकल हैरान थी कि इतनी सी उम्र में तृप्ति ये सब कैसे कर सकती थी। डॉक्टर कहने लगी, आपकी पत्नी बहुत कम उम्र है, जाकर इसका बहुत ख्याल रखना, वरना डिलीवरी में मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं जब घर वापस आया तो तृप्ति को मैं कमरे में ले गया, उसे बेड पर ले जाकर पटक दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि इतनी सी उम्र में तुम ये सब कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें और मौसी को मैं ही मिला था तुम्हारा ये पाप छुपाने के लिए। वो रोने लगी, कहने लगी, मेरा कोई दोष नहीं, मेरे ऑटो ड्राइवर ने ज़बरदस्ती मेरे साथ। ये कहकर वो सिसक सिसक कर रोने लगी। कहने लगी, मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन से मना कर दिया कि मैं अभी बहुत कम उम्र की हूँ और तकलीफ सह नहीं सकती। मैं ये सुनकर सर पकड़कर बैठ गया था। तृप्ति कहने लगी, मुझे तलाक मत दीजिएगा, बेशक आप दूसरी शादी कर लें, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िए। मेरा दोष नहीं था, वो मेरे कदमों में बैठी हुई थी, लेकिन मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उसने और उसकी माँ ने मुझे जो धोखा दिया था वो मुझसे सहन नहीं हो रहा था। मैं उसे धक्का देकर घर से बाहर निकल गया, हमेशा हमेशा के लिए। मैं काफ़ी दिनों से दुबई जाने के लिए तैयारी कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं तृप्ति को उसकी माँ के पास छोड़कर दुबई चला जाऊँगा, 4-5 साल बाद आऊँगा, जब तक तृप्ति लगभग 19-20 साल की हो जाएगी, और फिर मैं उसके साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा।
लेकिन आज जो सच मेरे सामने खुलकर आया था मेरी हस्ती को हिलाकर रख दिया था। दुबई जाने के मेरे सारे पेपर्स तैयार थे। मैं अगले दिन ही तृप्ति को बिना बताए दुबई चला आया। उस समय मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था कि वो एक अकेली कम उम्र लड़की है जो कि माँ बनने वाली है, और अभी तो उसके पास उसकी माँ भी नहीं थी, वो अकेली थी, उसका क्या होता मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उस समय मैं बस गुस्से में था और गुस्से में ये फैसला मैंने कर लिया था। मैं उसे छोड़कर आ गया था और काम की तलाश में लग गया। कुछ महीनों बाद मुझे एक अच्छी जगह नौकरी भी मिल गई थी और मैं अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया। मुझे नहीं पता मेरे पीछे से तृप्ति का क्या हुआ था, लेकिन जो कुछ मैंने किया था शायद गलत किया था, और यह एहसास मुझे चैन नहीं लेने देता था। मैं रातों को उठकर बैठ जाता, तृप्ति का ख्याल मुझे परेशान करता था। और 2 साल के बाद मैं हिंदुस्तान वापस आया था, क्योंकि मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हुआ था और मुझे 2 महीने की छुट्टियां मिली हुई थी। सच कहूँ तो मैं तृप्ति के लिए हिंदुस्तान वापस आया था, वरना हिंदुस्तान में मेरा था ही कौन। मेरा दिल इन 2 सालों से बहुत बेचैन था और मेरा जो 2 साल का एग्रीमेंट था उसके ख़त्म होते ही मैं सीधा हिंदुस्तान आया था। मैं एक बार अपनी आँखों से देख लेना चाहता था कि तृप्ति ठीक है या नहीं, उसके बाद मैं निश्चित हो जाता। लेकिन घर आकर जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या वो वाकई तृप्ति थी? एकदम हड्डियों का ढांचा वो सामने सोफे पर पड़ी हुई थी, चेहरा ऐसा जैसे किसी ने पीला रंग लगा दिया हो, हाथ पैर सूख कर लकड़ी के समान हो गए थे। मैं तड़प कर उसके पास पहुंचा था। उसने आंखें खोलकर मुश्किल से मुझे देखा था। मुझे देखकर शायद उसे विश्वास नहीं आया था। उसने मुझे छूकर महसूस किया। मैंने कहा, तृप्ति, हाँ मैं ही हूँ। और फिर उसकी आंखों से आंसू बह चले, रोने लगी और बोली, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत तकलीफ सही है, पता नहीं भगवान ने अब तक मुझे जिंदा क्यों रखा, वरना शायद मैं मर तो उसी दिन जाती जब मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। वो तकलीफ याद करती हूँ तो अब भी सहम जाती हूँ। उस समय मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी नहीं था मेरे पास। वो अपनी आप बीती सुना रही थी और मैं बस उसे सुन रहा था। मेरा दिल उसकी हालात पर खून के आंसू रो रहा था। उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं था। वो कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। पापा की जो पेंशन आई थी उससे मैं अपना खर्चा चला रही थी, लेकिन ज़िंदगी जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। बस मर जाने की दुआएं मांगा करती थी। मैं तुम्हें इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती क्योंकि तुम्हारे साथ भी धोखा ही हुआ था, लेकिन शायद गलती इसमें मेरी भी नहीं थी। सब कुछ मेरे साथ ज़बरदस्ती किया गया था। मैं उसे बाहों में उठाकर अस्पताल लेकर भागा था। उसके सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि उसे टीवी हो गया था। मैं उसे अपने साथ दुबई ले आया और वहीं उसका इलाज करवाने लगा। पूरे 1 साल लगे उसे बिल्कुल ठीक होने में। मैंने उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ किया मैंने गुस्से में कदम उठाया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तृप्ति का दिल वाकई बहुत बड़ा था, उसने मुझे माफ़ कर दिया। उस दिन मैंने तृप्ति को सच्चे दिल से अपनी बाहों में भरा था, उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया था। हमने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।